हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। आज का व्लॉग सैटरडे 25th ऑफ मई का है। मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय बनाया है, और चाय मैं काफ़ी महीनों से पी नहीं रही थी बिकॉज मुझे चाय से बहुत नौसिया होता था, बट धीरे धीरे टेस्ट वापस आ रहा है तो आज मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और सिया को पोहा पसंद नहीं है, उसके लिए ब्रेकफास्ट में दूध और सीरियल। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि अपनी नई वाली जो सोसाइटी है उसमें अपने बालकनी के बाहर का व्यू दिखाइएगा, तो व्यू कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है। बाहर देखो तो इतनी सारी गाड़ियाँ और बहुत ही नॉर्मल सा ही व्यू है। मैं जो अपनी पुरानी वाली सोसाइटी थी उसका व्यू बहुत मिस करती हूँ। इतना पीसफुल सा एनवायरनमेंट था बाहर, इतने सारे पेड़ पौधे, बालकनी में बैठ के बहुत रिलैक्स मिलता था। सो सिया ने भी अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आजकल मैं उसे खुद से ही खाने के लिए ज़्यादा इनिशिएट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गई थी सिया के साथ, और उसके बाद अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ही मैंने आलू चॉप करके पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिए हैं, और यहाँ पर ये दही भी निकाल ली है। ये घर की ही बनी हुई दही है, घर पर ही जमाई थी मैंने कल, और बेसन भी निकाल लिया है। और एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है बड़ा सा, इसमें मैं दही, बेसन और नमक और हल्दी डाल के मिक्स करूँगी, और दही ये काफ़ी अच्छी जम जाती है घर पे। बाहर का कुछ ऐसा व्यू हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बारिश हो रही है बाहर। सो मैं लंच रेडी कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने लॉन्ड्री के लिए कपड़े डाले हुए थे, अचानक उनकी कॉल आ गई ऑफिस से। सो मैं और सिया भी यहाँ पर वॉशर में से कपड़े चेंज करके ड्रायर में डालने के लिए आए हैं। और लॉन्ड्री यूनिट हमारे फ्लोर पे ही है, अपार्टमेंट के अंदर नहीं है बट ऑन द सेम फ्लोर है तो दिक्कत नहीं होती। और एक दो डेलिकेट कपड़े थे जो कि ड्रायर में डालने से ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको हमेशा ही वॉशर से निकाल के सीधे चेयर पे ओपन एयर में डाल देती हूँ, तो वो वैसे सूख जाते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल में तैयार कर लिया है घोल कढ़ी के लिए दही, और उसमें काफ़ी सारा पानी डाला है, बेसन, हल्दी और नमक। और आज मेरा कढ़ी बहुत पतली बनाने का मन है, इसलिए मैंने मिक्सर काफ़ी पतला रखा है। गैस ऑन कर दी है और इसमें डालूंगी सरसों का तेल। मुझे आजकल सरसों का तेल बहुत पसंद आ रहा है, और इसलिए मैं सारी चीज़ें, सारी कुकिंग सरसों के तेल में ही कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सरसों का तेल। सो जैसे ही तेल गर्म हुआ, इसमें मैंने चिलीज़ डाल दी हैं 2-3, और इनको सॉटे करूँगी। उसके बाद इसमें मेथी सीड्स डालूँगी, और मेथी सीड्स क्रैकल होने लग गए हैं। मुझे इसमें कढ़ी सिंपल बनानी है, प्याज से मुझे नौजिया होता है तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, और आलूओं को अच्छे से सॉटे करूँगी, और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े मसाले डालूँगी, थोड़ा सा नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। मसाले अभी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि सिया के लिए भी कढ़ी निकालूंगी, और किचन किंग मसाला थोड़ा सा सिया के लिए, आजकल जब सब्ज़ी या कढ़ी जो भी बनाती हूँ अपना, वो उसमें से उसके लिए भी निकालती हूँ, तो मसाले शुरू में कम रखती हूँ, बाद में मिर्ची वगैरह थोड़ी और ऐड कर लेती हूँ। सो इसको अच्छे से मिक्स करके, सॉटे करके, और सारा मसाला आलूओं के ऊपर कोट हो गया है, इसमें एक कटोरी पानी डाल के ढक के पकने के लिए रख दूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाए। और यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही है, आजकल वो खुद से खेलने की काफ़ी कोशिश करती है, और जब वो खुद से खेलती है मुझे उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। सो अभी कढ़ाई में आलू पक रहे हैं, उसके बाद मैं सारा जो भी सामान काउंटर पे निकाल के रखा था एक बारी वापस अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी।
और आजकल मैं डिशवॉशर लगाती हूँ, पहले मैं डिशवॉशर नहीं लगाती थी बट अब मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ, सो सारे बर्तन डिशवॉशर में ही धोती हूँ। जो भी बड़े बर्तन होते हैं वो सिर्फ हैंड वॉश करती हूँ। सो ऐसा है। और बीच बीच में एक दो बार आलूओं को चेक कर लूँगी कहीं वो लग ना जाएं। सो आलू अभी जस्ट होने ही वाले हैं और तब तक मैं जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे उनको एक बार रिंस करके पानी में और उसके बाद डिशवॉशर में डाल दूँगी। और झूठे बर्तनों को एक बार रिंस करने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ जो मैंने आइकिया से लिया था। यहाँ पे आलू भी गल गए हैं, इसके बाद मैं इसमें जो मैंने कढ़ी के लिए घोल तैयार किया है वो डाल दूँगी। सो वो घोल मैंने डाल दिया है और उसके बाद इसको काफ़ी देर तक चलाना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो अपना काउंटर स्टूल है वो लगा के और बैठ के आराम से चलाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है और आजकल मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसलिए मैं कई बार ज़्यादा देर का काम है तो ये स्टूल लगा के काम कर लेती हूँ। और कढ़ी में उबाल आ गया है तो मैं इसको लिड हाफ क्लोज़ और हाफ ओपन लिड करके मीडियम फ्लेम पे और पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर सिया ये बॉटल्स को निकाल रही है, रख रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और फ्रिज में रात का थोड़ा सा आटा बच गया है तो वो मैं निकाल लूँगी और मुझे लग रहा है थोड़ा सा आटा और मारना पड़ेगा तो वो भी मुझे करना है। यहाँ पे मैंने कुछ सैलेड है जो कि कट करके रख दिया है, नींबू अभी नहीं निचोड़ा है क्योंकि सैलेड पानी छोड़ देगा। और बीच में मुझे आयरन की और HB बहुत डाउन हो गया था, मेरा 8 पॉइंट्स चला गया था, तो डॉक्टर ने मुझे ग्रीन सैलेड ये सब खाने के लिए बहुत ज़्यादा बोला था, तो मैंने अपने किचन में लिस्ट भी लगा रखी है, अभी आपने देखी। सो जो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे सैलेड खाना है, ये सब खाना है। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा और मार रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया रात का जो आटा बचा है वो काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा आटा और मार लेती हूँ। सिया और उसके पापा लॉन्ड्री वाले कपड़े लेके आ गए हैं, सो यहाँ पे मैंने आटा भी मार के और ढक के रख दिया है। थोड़ा सा आटा रात का भी बचा है, पहले रात वाला यूज़ करूँगी और फिर थोड़ा इसमें से भी यूज़ करूँगी। यहाँ पे कढ़ी भी अच्छे से पक गई है और कढ़ी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई है ताकि शाम को भी यूज़ में आ जाए। आजकल मुझे काफ़ी थकान होती है तो मैं एक टाइम पे इस तरह से कुकिंग करती हूँ कि 2 टाइम का मील बन जाए। और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सैलेड भी कट हो गया है। सो अभी प्लान है कि मैं सिया को नहलाऊंगी और फिर मैं खुद नहाने जाऊंगी और मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं लॉन्ड्री फोल्ड करने में। और सिया के लिए मैंने यहाँ पर बाउल में कढ़ी निकाल दी है, उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी। और कढ़ी में अब मैं डालूंगी थोड़ा सा और किचन किंग मसाला और थोड़ी सी और रेड चिली पाउडर, क्योंकि मुझे आजकल बड़ा स्पाइसी खाने का मन करता है। तो अब ये डाल के और फिर इसको अच्छे से घोल के और फिर थोड़ी देर और 5-7 मिनट और पकने दूंगी ताकि ये जो मसाले डाले हैं एंड में ये भी अच्छे से उसके साथ मिक्स और ब्लेंड हो जाए। तो सिया को भी नहला दिया है, मैं भी नहा के आ गई हूँ और अब लंच का टाइम हो गया है, काफ़ी भूख लग गई है सबको। सो अभी रोटियाँ सेक ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। सो लंच रेडी है, पतली वाली गर्मा गर्म कढ़ी और सैलेड, रोटी, अचार। सिया को भी मैंने उसकी जो कढ़ी अलग से निकाली थी वो दी है और आजकल मैं उसे हमेशा ही मतलब सिखा रही हूँ कि वो खुद से खाना सीखे। खुद से खाने से बच्चों का टेस्ट डेवलप होता है, उन्हें अच्छा कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, तो ये भी वो सीखेगी। और आगे चल के मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो उसका खुद से खाना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आज मैं बात कर रही हूँ और रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप लोगों से बात करके। सो आज का प्लान ये था कि आज मेरा प्रेगनेंसी का फ़ोटो शूट था, तो जो लेडी जिससे मैंने प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट बुक कराया उसने आज के लिए डेट कंफर्म करी थी, बट सडनली ऐसा हुआ कि आज वेदर ख़राब हो गया और बारिश थी सुबह से काफ़ी, और अभी बारिश का फोरकास्ट नहीं है लेकिन वो जो लेडी है जो फोटोग्राफी करती है उसने हमें एक आउटसाइड
प्लेस दिया था फ़ोटोशूट के लिए, तो उसने मुझे बोला कि वहाँ काफ़ी मडी हो गया है, स्टिल अगर आप फ़ोटोशूट कराना चाहते हो तो मैं आ जाऊँगी। सो फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स पोस्टपोन इट, पोस्टपोन करा के नेक्स्ट वीकेंड के लिए कर दिया है। एंड होपफुली अभी तक तो वेदर क्लियर दिखा रहा है नेक्स्ट वीकेंड का, बट वी नेवर नो, शिकागो का वेदर बहुत ही अनसर्टन होता है। और अभी दोपहर के अराउंड 2:30 बज गए हैं, लंच वगैरह हो गया है हमारा। मुझे कढ़ी खाने का मन था आज, वो भी बहुत पतली सूप की तरह, इतनी पतली कढ़ी खाने का मन था। तो सिया, मैंने और हस्बैंड ने, हम तीनों लोगों ने लंच कर लिया है। और आजकल मुझे बहुत प्यास लगती है, इसलिए मुझे पानी की एक बोतल हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है। और सिया भी आ गई है, काफी लोग बोल रहे थे कि सब सिया को मिस करते हैं, तो ये रही हमारी सिया। हाय कर दो। सो नहीं रहे हो पापा के पास? नहीं। क्यों? ऐसे मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा तो फिर किसके पास सोगी? कुछ के पास। अभी सोने का टाइम है ना, थोड़ा सा रेस्ट करो ना, फिर घूमी घूमी करने चलेंगे, है ना? हाय एवरीवन करो। हाय एवरीवन क्यों करें हम? आप करो, आप करो। अच्छा बताओ मम्मा के चैनल का नाम क्या है, बताओ बताओ। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब पे मम्मा का कौन सा चैनल है? मैंने आपको बताया, आपको एक बार मैंने बताया था ना कौन सा चैनल है, क्या था बताओ? समझ नहीं आ रहा क्या चैनल था। सो आप लोगों ने शुरू से ही हमेशा पूछा कि क्यों मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी। मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या की दिक्कत थी प्रेगनेंसी में, इसलिए कोई वीडियो या व्लॉग इतने टाइम से नहीं बना, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी। और बीच में मैं इंडिया भी चली गई थी जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम सिया को लेके इंडिया चली जाओ, तो वहाँ भी काफ़ी रेस्ट मिल गया। और अभी तबीयत काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि अभी लास्ट का टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियसली तबीयत तो अब ठीक होगी। सो इसलिए सोचा कि आज का व्लॉग बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच इतना कंसर्न शो करने के लिए, सबने पूछा कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैं कैसी हूँ, सिया कैसी है, इज़ एवरीथिंग ओके। जब भी मैं यूट्यूब खोलती थी, अगर किसी का कोई नोटिफिकेशन होता था, मैं ज़रूर रिप्लाई कर देती थी वहीं पे। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लाइक प्रेगनेंसी तो आजकल सब लोग बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, वो टाइम चला गया जब लोग छिपाते थे। सो मैंने शुरू से ही अपडेट कर दिया था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो अभी मैं 33 and a half वीक प्रेग्नेंट हूँ, एंड कमिंग मंडे को 34 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड, उससे आइडिया होगा कि एग्जैक्ट कब तक मतलब ड्यू डेट जो है वो एग्जैक्ट क्या होगी। वैसे अभी अप्रॉक्सीमेट ड्यू डेट तो डॉक्टर ने दे रखी है। सिया आराम से, जंप नहीं करो लग जाएगी सिया, नो। सो फिर मैं ये व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगी, सोच रही थी कि बनाती हूँ फिर से एक ब्लॉग, और ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हो सकता है शाम को कहीं घूमने के लिए जाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड तो आराम कर रहे हैं, पहले ऑफिस का काम कर रहे थे, और हम लोग भी अब थोड़ी देर लेटते हैं। सो आई एंड दिस व्लॉग, एंड रियली आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा बनाकर, एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, और फेस पे भी काफ़ी मतलब दाग धब्बे से हो गए हैं, और मतलब काफ़ी मोटी हो गई हूँ, बट ठीक है, अब प्रेगनेंसी मोटे होने के लिए होती है, वेट गेन होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहता, जो अच्छा लग रहा है, जैसा अच्छा लग रहा है, सब कुछ खाओ पियो। सो आफ्टर प्रेगनेंसी लेट्स सी, वेट लूज़ भी करना है अभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंड आई विल बी बैक सून, बाय। फोटो देखो, हाँ फोटो देखेंगे।